नीति सिंह भैया आज तो उन सारी ग्रैनी और ईविलन को छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि उन लोगों ने हमें कई दिनों से बहुत परेशान करके रखा है। शहर में पता नहीं हम मेरे दोस्त लोगों को किडनैप कर रहे हैं, मार रहे हैं। आज तो हद ही होगी, चिंटू के घर में उसके पापा को पकड़ के किडनैप करके लेके जा रही थी। अरे हाँ कीको, उन लोगों का बहुत ज़्यादा बदमाशी बढ़ चुका है, अब कुछ करना ही पड़ेगा। ये देखो, ये है ग्रैनी ईविलन का घर। आखिरकार हम पहुंच गए उन चुड़ैलों के घर में। अरे शोर मत करना सिंचियान कीको सिबा। अरे लिटिल सिंह भैया, हम बिल्कुल भी शोर नहीं करेंगे। ओके अरे लिटिल सिंह भैया, आज तो सारी की सारी चुड़ैलों का काम बजा देना, बैंड बजा देना। हाँ नहीं तो, अरे ये देखो मेरे हाथ में गैस बम है, पहले तो मैं इस गैस बम से उन लोगों को बेहोश करूंगा, ठीक है ना? शोर मत करना, अगर वो लोग चौकन्ने हो गए, पता चल गया ना, तो वो फिर भाग जाएंगे, हमारे हाथ को भी नहीं आएंगे। अरे यार चलो चलो चलो, आज तो मैं इन लोगों को पकड़ के रहूंगा। ये देखो कितने सारे ग्रैनी और ईविलन है, सबके सब तपस्या कर रही है, यहाँ पे जादू टोना कर रहे हैं। लगता है ये लोग अपनी शक्तियों को और बढ़ाने वाले हैं। कीको सिबा सिंचान अली लिटिल सिंगा भैया, यही सही मौका है इन लोगों के ऊपर गैस बम फेंक दो, और साले के साले यहाँ पे बेहोश हो जाएंगे। लिटिल सिंगा भैया मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं इन चुड़ैलों को पता ना चल जाए और हमें खा जाएगी। पता चल गया तो अरे सिंचान टेंशन मतलब कुछ नहीं होगा, पहले तो मैं ये घर देख लेता हूँ। इसी घर में सारी की सारी चुड़ैल ईविलन ने गाइस कब्जा कर लिया है, इस घर का भी मुझे कुछ करना पड़ेगा। गाइस इस घर को मैं पूरा बंद कर दूंगा, सबसे पहले इन सारी चुड़ैलों को मैं ख़त्म कर दूं। तो मेरे हाथ में गाइस गैस बम, और ये देखो कितने सारे चुड़ैल यहाँ पे जादू टोना कर रहे हैं। गाइस इनको तो पता भी नहीं कि मैं आ गया हूँ। ओहो ये तो मग्न है गाइस पूरा का पूरा जादू टोने में। चलो अब गैस बम को फेंक देते हैं इनके ऊपर, सही रहेगा ना? फेंको 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 जल्दी से लिटिल सिंह भैया, अरे लिटिल सिंह भैया फेंक दो। अरे फेंको ना, ये रो ये ले। अब देखना इन सभी की कैसे जान निकलती है, सबके सब बेहोश हो जाएंगे। एक कौन आ गया? अरे ये तो लिटिल सिंह है, पीटो सबके सब। मैं तो बेहोश हो गई। अरे गाइस देख सकते हो ये सारी की सारी ग्रैनी धीरे धीरे बेहोश हो रहे हैं। देख सकते हो ज्यादातर यहाँ पे चुड़ैल बेहोश हो गई है, ये ब्लू वाली चुड़ैल अभी तक बेहोश नहीं हो रही है गाइस। और ईविलन को तो देखो गाइस कितना भाग रही है। चलो अरे अभी तक नहीं हो रही है। अरे लिटिल सिंह भैया एक काम करो, इसके ऊपर फेंक दो इस गैस बम को, फिर हो जाएगी बेहोश। अरे फेंक रहा हूँ। लिटिल सिंह भैया देखो ना, सारी के सारी चुड़ैल कैसे तो बेहोश हो रही है, पर ये ढीट है बहुत ही ज्यादा। ए ले ये तो बेहोश होने का नाम नहीं ले रहे थे। चलो एक मुक्का मार दिया, और ये ईविलन भी अभी तक बेहोश नहीं हो। अरे और एक ईविलन बची हुई है, चलो इसके ऊपर भी मैं गैस बम फेंक देता हूँ। इसको ले ये ले, तू बचेगा नहीं। ओके सो गाइस देख सकते हो फाइनली मैंने सारी की सारी ईविलन और सारी की सारी चुड़ैलों को, ग्रैनी चुड़ैल को यहाँ पे बेहोश कर दिया। अरे लिटिल सिंह भैया आपने जो कमाली कर दिया, अब क्या करोगे बोलो ना। अरे बताता हूँ सब्र रखो। तो यहाँ पे सभी को मैं चेक कर लेता हूँ, सबके सब बेहोश हुए हैं या नहीं, या कोई नाटक कर रही है। अगर नाटक करेगी तो फिर तो मैं पूरा बैंड बजा दूंगा इनका। अरे भाई कितना ये लोग शानदार तरीके से जादू टोना कर रहे थे। कहीं मुझ पर जादू टोना ना कर दे लेडी सिंह भैया। अरे टेंशन मत लो कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना। अरे लेडी सिंह भैया मेरे को लग रहा है ये चुड़ैल नाटक तो नहीं कर रही है बेहोश होने की। अरे पता नहीं ये भी बेहोश हो गई है। चलो सारे चुड़ैलों को मैंने चेक कर लिया है, कीको सिवा सिंचान देख सकते हो ये सभी के सभी बेहोश हो गए हैं। अब सही टाइम है उसको किडनैप करने का, तो चलो हम सभी के सभी ग्रैनी या तो ईविलन को किडनैप कर लेते हैं। किसको किडनैप करूँ कुछ तो बताओ, तुम लोग आइडिया तो दो। अरे लिटिल सिंह भैया एक काम करो ना, उस ईविलन को किडनैप कर लो, अभी ग्रैनी चुड़ैल की टीम की वही लीडर बनी हुई है ना, तो उसको किडनैप करना सही रहेगा। अरे बाप रे तुमने तो सही बोला है,
बस मैं ना एक जादुई तेल लेकर आया हूँ। इस तेल को ना चारों ओर छिड़क देता हूँ। इस घर के अंदर ये चुड़ैल ना जा ही नहीं पाएगी, घुस नहीं पाएगी। तो इस घर को छोड़ के उन लोगों को भी जाना पड़ेगा। चलो फटाफट से तेल को मैं यहाँ पे पूरा चारों ओर छिड़क देता हूँ। लेडी सिंगा भैया, इससे क्या होगा? इससे कुछ नहीं होगा, बस ये चुड़ैल लोग जो है इस घर में फिर से दोबारा कब्जा नहीं कर पाएगी। और ये चुड़ैल का ये अड्डा भी मैं बर्बाद कर दूंगा, क्योंकि देख सकते हो ये जादुई तेल है, इसके अंदर कोई भी नहीं प्रवेश कर सकता। बाप रे बाप, आप कितना कितना दिमाग है, आप तो बहुत दिमाग वाले हो लेडी सिंगा भैया। इसी बात पे सबके सब गाइस यार, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक भी कर दो। अरे लिटिल सिंगा भैया, कहीं ये लोग जाग ना जाए, चलो फटाफट से इसी बंधन को किडनैप करके लेके जाते। यही अभी लीडर बनी है ना इस चुड़ैल वाली ग्रुप की, चलो लेके जाते। अरे लेडी सिंगा भैया, अपना तो तेल भी छिड़क दिया, आप किस चीज का इंतजार कर रहे हो? जल्दी से चलो, चलते हैं ना यहाँ से, 9 to 11 हो जाते हैं। अगर ये लोग जाग जाएंगे तो हमारा बैंड बजा डालेगी। अरे सही बोल रहे हो तुम लोग, चलो ये रही वलन, यही है इन सबकी लीडर, चलो यही अभी शक्तिशाली है इनके बीच में, चलो अब इसको ही पकड़ के लेकर जाएंगे। लेडी सिंगा भैया, कहीं ये हमें खा ना जाए, शक्तिशाली है तो हमें पेट भर सकते हैं ना। अरे सिंचान कुछ नहीं होगा, इसको तो हम मजा चखाएंगे। चलो यार ग्रैनी को ले लेते हैं। ग्रैनी को क्यों लिया? अरे तुम ही तो बोल रहे थे सिंचान कि तुम्हें डर लग रहा है इविलन से, इसलिए मैंने इविलन को किडनैप नहीं किया, इस ग्रैनी को कर लिया, ठीक है ना? अब ठीक है, ठीक है, ओके। सो गाइस, मैंने इविल नन को जो है किडनैप नहीं किया, मैंने इस ग्रैनी को किडनैप किया है, क्योंकि सारे फसाद की जड़ यही ग्रैनी है, यही सभी को आइडिया देती है, ये करो वो करो, इसको किडनैप करो उसको किडनैप करो। ये थोड़ा सा शक्तिशाली कम है, पर यही सबको आइडिया देती है गाइस, सबको यही बोलती है, ठीक है ना? तो इसको किडनैप करना ही सही रहेगा। और ये ग्रैनी सबसे बड़ी वाली दुश्मन है गाइस हमारी, तो इसको पकड़ के लेकर चला जाऊँगा मैं किडनैप करके। अरे दीदी सिंह भाई, आपने सही किया, क्योंकि ये ग्रैनी हमारा पीछे कभी नहीं छोड़ती है, यही सभी को भेजती है, इवल नन वगैरह को यही भेजती है हमारे घर में किडनैप करने के लिए, हमें पीटने के लिए। अच्छा किया इसको किडनैप किया तो, अब इवल नन पागल हो जाएगी गुस्से के मारे। अरे यार चलो चलो जल्दी से जाते हैं। और यहाँ अब इसको किडनैप करके ना कैद कर लेंगे कहीं अच्छी सी जगह पे, ताकि ये कभी भी उस जेल से निकल ना पाए, फिर ये इवल नन भी अपना बदमाशी छोड़ देगी, क्योंकि यही सब बदमाशी आइडिया देती रहती है ना ग्रैनी। मेरा सर बहुत दुख रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, आखिरकार उस लेडी सिंगम को हमारा पता कैसे मिला कि हम यहाँ पे हैं? छोड़ेंगे नहीं लेडी सिंगम के बच्चे कीको सिबा। अरे यार क्या किया उन लोगों ने, सबको बेहोश कर दिया, मुझे भी बेहोश कर दिया था, पर मैं उठ गई हूँ क्योंकि मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, ज्यादातर ये गैस बम मेरे ऊपर असर नहीं कर सकता। अरे उठो कमबख्त इविलन। अरे यार ये ग्रैनी क्यों नहीं दिख रही है, हमारी ग्रैनी बहन कहाँ पे है? बहुत बुरा हुआ, अरे उठो। हाँ ब्लू ग्रैनी उठ जा, हमारी ग्रैनी है नहीं यहाँ पे, अरे उठो उठो। ये क्या हो रहा है, हमारी ग्रैनी बहन क्यों नहीं दिख रही है? बोल रही हूँ ना, उसको किसी ने किडनैप कर लिया है। अरे किसी ने नहीं, उस लिटिल सिंगम ने, वही आया था ना गैस बम को हमारे ऊपर फेंक कर गया, हमें बेहोश करके और हमारी ग्रैनी बहन को किडनैप कर लिया। आज तो हम छोड़ेंगे नहीं उस लिटिल सिंगम के बच्चे को। आ जाओ रेड ग्रैनी, ये सभी के सभी अभी भी बेहोश है, चलो इनको रहने दो, हम जाते हैं उस लिटिल सिंगम के अड्डे पे और उस ग्रैनी को छुड़ा कर लेकर आते हैं उनके कब्जे से, ठीक है ना? ठीक है चलो, फटाफट से यहाँ से निकलना पड़ेगा हमें। वैसे उस लिटिल सिंगम का अड्डा है यहाँ पे, ढूंढना पड़ेगा, एक एक जगह देखना पड़ेगा, छान मारना पड़ेगा, फिर जाकर ही उसका अड्डा हमें मिल सकता है। मिल जाएगा, टेंशन मत ले इवल नन। चलो चलो जल्दी से चलते हैं, आखिरकार हमें उस लेडी सिंगम का अड्डा मिल ही गया। और ये देखो लेडी सिंगम। अरे इविल नन यहाँ पे कैसे आ गई? हम चुड़ैल हैं, हम भूत पिशाच है, तुझे पता नहीं, हमें सब चीजों की खबर होती है, हम कहीं भी जगह को ढूंढ लेते हैं किसी भी हाल में, चुटकी बजाकर दे
मैंने तुम्हारी ग्रैनी बहन को तो मैंने किडनैप कर लिया। मैं भाग रही हूँ, डर लग रहा है मुझे। ये रेड ग्रैनी तो बहुत डरपोक निकली, ये तो भाग गई, पर मैं नहीं भागूंगी। मैं तो ग्रैनी को यहाँ से तेरे चुंगल से छुड़ा कर निकल जाऊंगी। अरे कोई फायदा नहीं, अगर ग्रैनी को छुड़ाना है ना तो इस पूरे के पूरे रैम चैलेंज को कंप्लीट करना पड़ेगा, क्योंकि फिनिश लाइन में ही हमने ग्रैनी को जो है जेल के अंदर कैद करके रखा है। वहाँ पे सिबा की को सिंचान भी है गन लेकर, अगर थोड़ा सा भी होशियारी करेगी ना ग्रैनी तो उसको मार डालेंगे। मैं लेकर आऊंगी बचाकर इस रैम चैलेंज को कंप्लीट करके। एक मौका तो दे लिटिल सिंगम। ओहो, एक मौका चाहिए, ठीक है, पर एक बात याद रखना, इस रैम चैलेंज में अगर तू गिर गई ना तो कभी भी ये रैम चैलेंज कंप्लीट नहीं कर पाएगी और जिंदगी भर ग्रैनी यहाँ पे सड़ेगी। अरे लीजिए सिंगम भैया, ये देखो ग्रैनी को हमने कितने अच्छे से कैद करके रखा है, वो निकल ही नहीं सकती इस पिंजरे से। कैसर देख सकते हैं हमारे हाथ में तो गन भी है, थोड़ा सा भी चालाकी करेगी तो भून डालेंगे उसको, खोपड़ी फोड़ देंगे। सो देखा कैसे तुम्हारी ग्रैनी को पकड़ के रखा है हमने। तुम ग्रैनी के पास पहुंच गए ना तो मैं उसको जो है छोड़ दूंगा, उस जेल से आजाद कर दूंगा। जरूर जरूर कंप्लीट करूंगी, मैं फिनिश लाइन तक पहुंचूंगी। पर इवल नन, तुम एक बात याद रखो, इस रैम चैलेंज को आज तक कोई भी कंप्लीट नहीं कर पाया है हमारे सिवा, कोई भी इस रैम चैलेंज को कंप्लीट करके फिनिश लाइन तक नहीं पहुंच पाया। अगर थोड़ा सा भी गलती हुआ ना तो तुम नीचे गिर जाओगे और मर जाओगे। बिल्कुल भी मैं नहीं गिरूंगी, पूरा मैं ट्राई करूंगी मेरी ग्रैनी को यहाँ से आजाद करने की। अरे लिटिल सिंगम भैया, आपने ठीक नहीं किया, इस चुलेल को एक मौका देके इसको तो मौका ही नहीं देना था, ये मौके में चौका मारती है, पता नहीं है क्या आपको। ये अगर कंप्लीट कर लेगी रैम चैलेंज तो वो ग्रैनी को बचा लेगी हमारे चुंगुल से, हमने तो ग्रैनी को किडनैप करके रखा है ना। अरे यार कीको, अब क्या ही कर सकते हैं, ठीक है ना, अगर ये कंप्लीट नहीं कर पाई ना ये इवल नन तो इसको भी हम कैद कर लेंगे, इवल नन को भी किडनैप कर लेंगे, और ये ग्रैनी को तो पहले से किडनैप करके रखा है। यहाँ पे कितने सारे बम है, इस बम को कैसे क्रॉस करूं, डर लग रहा है कहीं पैर वैर लग गया तो चीतरे उड़ जाएंगे। अरे बाप रे, चलो ये बम तो गिर गया, इसको भी फेंकू क्या, ये देखो ये भी फेंक दिया मैंने। अरे 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 चलो, अरे जंजीर के ऊपर से ये देखो आ गई मैं, अरे सामने तो स्पाइडरमैन है। अरे यार ये देखो पोस्टर भी तोड़ दिया, ये भी तोड़ दिया, सब तोड़ दूंगी। मेरी किरानी बहन को कैसे किडनैप कर लिया इस लिटिल सिंगम ने, इसकी हिम्मत कैसे हुई, पित्ती सी लिटिल सिंगम। आ रही हूँ मैं कीको, तुझे भी मारूंगी मैं बहुत तड़पा तड़पा के। अले इविल नन की बच्ची, तेरा हिम्मत नहीं है मुझे पीटने की, आजा तेरे को मैं पीट के हलवा बना दूंगा, चटनी बना दूंगा, ठीक है ना। आ रही हूँ मैं। अरे गाइस, ये इविल नन तो बहुत ही आगे निकल चुकी है, क्या लगता है आप सभी को, ये इविल नन क्या इस रैम चैलेंज को कंप्लीट कर पाएगी? तब तक गाइस आप सभी के सभी चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो गाइस। अरे यार ये तो एक के बाद हर चैलेंज को कंप्लीट करके आगे बढ़ती ही जा रही है। अरे गाइस ये क्या हो रहा है, ये इविल नन तो बहुत मस्त खेल रही है, आगे भी आ गई। अरे यार बस चोरे से ये ग्रैनी, मैं आ रही हूँ, देखो मैं तुम्हारे लिए सात समुंदर पार होकर आ रही हूँ तुम्हें बचाने के लिए, ये देखो आखिरकार मैं पहुंच गई, अब इन लोगों की पैंट बजा दूंगी मैं। अरे गाइस ये क्या हो गया, ये इविल नन तो पहुंच गई। अरे कीको, मैंने तो इससे प्रॉमिस किया था अगर ये कंप्लीट करेगी रैम चैलेंज तो मैं इस ग्रैनी को आज़ाद कर दूंगा, तो तुम लोग आज़ाद कर दो, इसका पिंजरा खोल दो, ठीक है ना। अरे लिटिल सिंगम भैया, आपको प्रॉमिस नहीं करना चाहिए था। अब ज्यादा मुंह मत चला कीको के बच्चे, जल्दी से मेरी बहन ग्रैनी को आज़ाद करो। आ गई हूँ मैं इविल नन, अब चलो घर जाते हैं, मेरा दिमाग खराब हो गया इन बच्चों के साथ, शैतान बच्चे कहीं के। कोई बात नहीं, अब चलते हैं इस जीप में हम लोग घर, इस जीप
अरे बाप रे गाइस, इस इविल नन ने तो भाई कमाल ही कर दिया। बहुत ही शक्तिशाली है इविल नन निकली। ये तो आजाद हो गई अपनी ग्रैनी को लेकर। सो गाइस, जो भी देख रहे हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर लो गाइस फटाफट से। और ये देखो गाइस, नीचे ये जा रही है, पैराशूट भी ऑन कर लिया। ओ भाई।